हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन कन्या आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने चैनल लव फर्नीचर में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक आवर क्रायसेंथेमम प्लांट्स मोर बुशी एंड ब्लूम थ्रू आउट द विंटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विंटर सीजन लगभग अब स्टार्ट हो ही गया है, तो इस समय आप लोग अपने क्रायसेंथेमम प्लांट्स को किस तरह काफ़ी अच्छे से घना बना सकते हैं और पूरे विंटर सीजन में काफ़ी अच्छे फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो आज इसी पर चलिए बात करते हैं। आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा ताकि काफ़ी अच्छे से आप लोग को समझ में आ सके। और इस समय आप लोग के मान लीजिए अगर क्रायसेंथेमम प्लांट्स पुराने हैं या फिर आप लोगों ने नर्सरी से ला के इस समय लगाया है या तो अगर आप लोगों ने कटिंग से ग्रो किया है, तो सभी पे आप लोगों को सेम थिंग फॉलो करना है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को करना है कि आप लोग को अपनी क्रायसेंथेमम प्लांट्स की पिंचिंग करना है। तो पिंचिंग किस तरह आप लोग कर सकते हैं, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो आप लोग को दिख रहा है जो ग्रोथ जो न्यू आता है देख सकते हैं, और आप लोग क्या करना बस इस तरह थोड़ा सा पिंच से कर देना। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ से फ्यूचर में साइड ब्रांचेस निकलेंगे। तो इसी तरह आप लोग को लगभग सभी जितने भी आपके क्रायसेंथेमम प्लांट्स हैं सबके जो देख सकते हैं जो न्यू ग्रोथ आती है जो छोटे छोटे लीव्स रहते हैं वाइट कलर के लगभग, तो इसे आप लोग को रिमूव कर देना है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका प्लांट काफ़ी घना होगा और इसमें फ्यूचर में काफ़ी सारे साइड ब्रांचेस निकलेंगे और इसमें काफ़ी अच्छे सारे बर्ड्स भी आएंगे और फ्लावरिंग भी इसमें ज़्यादा क्वान्टिटी में होगी। और जितना ज़्यादा घना रहेगा उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपके प्लांट्स के फ्लावरिंग होते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को सभी जितने भी आपके प्लांट्स होंगे सबके क्रायसेंथेमम प्लांट्स के पिंचिंग कर देना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस प्लांट का मैंने देख सकते हैं पिंचिंग किया था, तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ दिन देख सकते हैं कुछ वीक पहले ही तो यहाँ से तीन साइड ब्रांचेज आए। अब इससे मैंने अभी पिंचिंग किया तो इसके बाद इसमें भी साइड ब्रांचेज आएंगे, तो उसमें भी आप लोग को पिंचिंग करना है और मिनिमम आप लोग को 5 से 6 बार इस तरह पिंचिंग करते रहना है। उसके बाद जब इसमें बर्ड आने शुरू हो जाए तो ऐसे में आप लोग पिंचिंग तब करना छोड़ दीजिएगा। पिंचिंग के बाद जो दूसरा चीज़ आता है इंपॉर्टेंट, आप लोग को इसमें फर्टिलाइज़र आप लोग इसमें होममेड फर्टिलाइज़र वगैरह दे सकते हैं और आप लोग को नेचुरल एनपीके का सोर्स दे सकते हैं, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र आप लोग दे सकते हैं। और इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा यूज टीली फर्टिलाइज़र, जो हम लोग घर पर चाय पत्ती जो यूज़ करके फेंक देते हैं उससे काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है। तो वो आप लोग इसे 1 सिन अ वीक दिया कीजिए, पूरे विंटर आप लोग देना, तो काफ़ी अच्छे इसमें ग्रोथ भी होगी साथ ही साथ काफ़ी अच्छे फ्लावरिंग भी होगी। अगला जो पॉइंट आता है पेस्टिसाइड्स का, मेनली क्रायसेंथेमम्स पे जो अटैक होता है वो स्मॉल मिनी बग्स वगैरह का रहता है और ब्लैक एफर्ट्स का भी काफ़ी अटैक इस पर देखा जाता है। तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे होममेड ही काफ़ी अच्छा नेचुरल पेस्टिसाइड्स वगैरह आप लोग बना सकते हैं, नीम स्प्रे वगैरह इसमें कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा क्या रहेगा कि आप लोग एक टाइम टू टाइम इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह करें, तो 1 सिन अ वीक आप लोग इसमें रूटीन बना के इसमें दे सकते हैं। तो ऐसे में आप लोग क्या होगा इसे पेस्ट्स वगैरह का अटैक भी नहीं होगा और इसमें आपके प्लांट्स काफ़ी अच्छी ग्रो होगी और इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। और इस समय आप लोग क्या कर सकते हैं, क्रायसेंथेमम प्लांट्स को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो देख सकते हैं मैंने कुछ कटिंग्स ग्रो किया और भी काफ़ी सारे मैंने इसकी कटिंग ग्रो की है, तो आप लोग इस समय ग्रो कर सकते हैं इसकी कटिंग्स, काफ़ी इजीली ग्रो हो जाता है कटिंग से क्रायसेंथेमम का प्लांट। और मैं क्रायसेंथेमम से रिलेटेड सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और इसके कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह का भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नेचुरल एनपीके का सोर्स और साथ ही साथ होममेड पे किस तरह आप लोग पेस्टिसाइड्स बना सकते हैं घर पे, उन सभी का लिंक डाल दूंगा। और आप लोग क्रायसेंथेमम प्लांट को किस तरह कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इससे मैं आप लोग अपने क्रायसेंथेमम प्लांट्स की कटिंग ग्रो कीजिए, काफ़ी अच्छे प्लांट काफ़ी अच्छे फ्लावरिंग देता है, काफ़ी सारे कलर वेरिएशन में भी आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं प्लांट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँ। फिर मेरे नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।